हेलो एवरीवन, मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, पौष्टिक से भरपूर, एक नहीं 100 फायदों वाले हलवा की रेसिपी। ये हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, साथ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। इस हलवे को आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को दे सकते हैं। रोजाना सुबह शाम दो दो चम्मच खाएँ और अपने स्वाद और इम्यूनिटी को बढ़ाएँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इस हलवे के खाने के और भी कई सारे फायदे हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। तो चलिए बिना देर किए आज की हमारी ये हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर इस हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है छुहारे, इसे ड्राई डेट्स भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, इसके खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यहाँ पर हमने छुहारे को पहले अच्छे से धो लेना है, उसको काट कर उसके बीज को अलग कर लेने हैं। उसके बाद 1.5 कप गर्म दूध में आपको इसे जो है भिगोना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भिगा सकते हैं या फिर 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे दूध में भिगा सकते हैं। छुहारे को भिगोने के लिए आप दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारे जो छुहारे हैं ये अच्छे से फूल गए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन छुहारों को जार में डालेंगे और ज़रूरत के अनुसार दूध या फिर पानी के साथ इसका दरदरा सा हम पेस्ट बना लेंगे। छुहारे खाने के अनेक फायदे हैं, खासकर सर्दियों में छुहारे खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, साथ ही ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाती है। छुहारे में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये हड्डियों को मजबूती देता है, दिल को स्वस्थ रखता है। फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कब्ज और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से हमने सारे छुहारे को डालकर पीस कर इसका पेस्ट बना लिया कुछ इस तरीके से। इसे हम रखते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बादाम, 1/4 कप अखरोट और 1/4 कप काजू डालेंगे और 1/4 कप कटी हुई सूखे नारियल। और इन सभी को बिल्कुल धीमी आंच पे भुनेंगे जब तक कि ड्राई फ्रूट भुनकर क्रंची ना हो जाए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स खाने के भी कई सारे फायदे होते हैं। काजू बादाम खाने से शरीर हेल्दी रहता है, शरीर में दिन भर की एनर्जी बनी रहती है। काजू बादाम में विटामिन ई और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके सेवन से त्वचा और बाल भी हेल्दी रहते हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखने में काफी मददगार होती है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होती है, ये बेड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है, हृदय रोगों से ये बचाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, मेमोरी को भी ये बढ़ाती है, साथ ही ये त्वचा और बालों के लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन गए हैं। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लेना इस तरीके से। और इसी कढ़ाई में वापस से हम जो है डालेंगे 2 कप मखाने, जिसे फॉक्सनट भी बोलते हैं। इसके खाने के भी कई सारे फायदे होते हैं। मखाना को पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मखाना खाने से ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं दूर हो सकती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में भी काम करती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। साथ ही ये वजन को घटाने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। मखाना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कई तरह की बीमारियों से बचाने का काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने मखानों को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट भून लिए हैं, मखाना और ड्राई फ्रूट दोनों को हमें जार में डालना है और इसको हम दरदरा सा पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और इसको पीस कर कुछ इस तरीके से पाउडर बना लेंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मखानों को भी हम जार में डालकर इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट और मखानों का जो है पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। वापस से कढ़ाई में हम 1/4 कप घी ऐड करेंगे और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून खसखस, जिसे पॉपी सीड्स या फिर पोस्ता दाना भी बोलते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए भुनेंगे घी में। उसके बाद हमने जो छुहारे का पेस्ट बनाया है वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि छुहारे का जो मॉइस्चर है वो खत्म ना हो जाए और इसका कलर हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। तो बस इसे हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर छुहारे के पेस्ट को भूनने में करीब
10-15 मिनट आपको लग जाएंगे। तो जब तक ये भून रही है, इसी दौरान हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। हम हलवे में गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड़ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है और सर्दियों में गुड़ के सेवन के कई सारे फायदे होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस हलवे में आधा कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो छुहारे होते हुए ऑलरेडी बहुत मीठी होती है, तो हम यहाँ पर कम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद हो तो आप यहाँ पर गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे भी लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। और वहाँ पर गुड़ को हमने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। धीमी आंच पे गुड़ को इस तरीके से मेल्ट कर लेना है। देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर बस हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे। हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो छुहारा का पेस्ट है वो भी अच्छे से भुन गया। इसमें सारी मॉइस्चर जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो बस यहीं पर हम ऐड कर देंगे, हमने ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाया था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये हमारा जो है ये मखाने का पाउडर भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए भुनेंगे। उसके बाद हमने जो गुड़ को मेल्ट करा है उसको हम छान कर इसमें डालेंगे, ये देखिए, ताकि गुड़ में कचरा वगैरह हो तो वो छान कर अलग हो जाए। और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके रखा है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम कुछ विंटर स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाती हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून सफ़ेद वाली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने जायफल को कद्दूकस करके लिया हुआ है, और यहाँ पर 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने सौंठ का पाउडर लिया है। तो इन सभी मसालों को हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। इससे हलवे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, साथ ही सर्दियों में इसके सेवन के कई सारे फायदे हैं। तो इन मसालों को डालकर हम अच्छे से हलवे में मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से हमें मिला लेनी है। तो यहाँ पर लगभग ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऊपर से 1/4 कप घी और ऐड करूँगी। इससे हलवे में बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आ जाएगी, साथ ही हलवे का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है ऊपर से घी ऐड करना, अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल इस हलवे को बनाने में हमने 1/2 कप घी का इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने अच्छे से घी को मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा हलवा जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज की हमारी ये 100 फायदों वाला स्वाद और सेहत से भरपूर छुहारे का हलवा जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे खाने में। आप इस हलवे को बनाकर रख दे और इसे स्टोर करके भी आप खा सकते हैं। बाहर आप इसे 1 हफ्ते तक रखकर खा सकते हैं और फ्रिज में आप इसे 15 से 20 दिन तक रखकर खा सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। जब जब आपको हलवे को खाना है आपको गर्म करके खाना होगा, क्योंकि इसमें हमने घी ऐड करा है। तो अभी सर्दियों की मौसम है तो ये घी जो है सेट हो जाती है। तो हलवा आपको गर्म करके ही खाना होगा जब आपको खाना हो। तो रोजाना इस हलवे को आप 2-2 चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी और साथ ही ये काफ़ी सेहतमंद हलवा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की हमारी ये सुपर टेस्टी स्वाद और सेहत से भरपूर छुहारे के हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।